हेलो फ्रेंड्स मैं नीतीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल सके देखिए यहाँ पर हमने एक सीरीज शुरू करी है टेक्निकल एनालिसिस की उसमें हमने पार्ट वन यहाँ पर डाल दिया है, जिसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करी है कि कब यहाँ पर अपट्रेंड और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक से चेंज हो जाती है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेक टूटने पर क्या ब्रेकडाउन होता है क्या ब्रेकआउट होता है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है तो एक बार जाके देख लीजिएगा और इस तरीके की वीडियो आती रहती है उस वीडियो को भी जाके देखिए बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प की डेल्टा कॉर्प की अगर हम बात करें तो देखिए लगातार अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस चार्ट में तो एक लगभग 52% परसेंट की एक अच्छी खासी गिरावट लगभग शेयर आधा यहाँ पर क्रैक हो चुका है यहाँ पर आधे से ज्यादा यहाँ पर टूट चुका है इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें दो से दो में जब ये पेंड में क्या था तब की बात करें तो लगभग एटी ये यह शेयर यहाँ पर गिरा था अभी की बात करें विदिन अ मंथ की अगर मैं बात करूं करू विन मंथ और टू मंथ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये शेयर पर डाउन हो चुका है तो क्या करना चाहिए देखिए एक था यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया इस तरीके से यहाँ पर न्यूज पे न्यूज आ रही थी और शेयर लगातार यहां पर ये ट्रेंड यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा था ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ पर लगातार गिरावट हुई और ऊपर के लेवल पे यहाँ पर थ्री के लेवल पे यहाँ पर लोगों को फसाया गया तो क्या हमें यहाँ पर अब कंप्लीटली एग्जिट कर देना चाहिए क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, लगातार शेयर गिर रहा है और शेयर गिरने के पीछे रीजन क्या है या फिर हमें हमेंट करना चाहिए और अगर हम न्यू एंट्री ले रहे हैं तो कब एंट्री लेनी चाहिए उस सब चीजों से रिलेटेड हम हम पर बात करेंगे आ, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो अपने नाम यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्ट यहाँ पर जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और पब्लिक में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे राकेश झुंझुनवाला जिनकी होल्डिंग यहाँ पर फोर ओके थ्री की यहाँ पर दिखाई दे रही है ओके okay, ये ड्रास्टिकली चेंज होती हुई नजर आई है अगर आप यहाँ पर न्यूज पे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगी कि राकेश झुनझुनवाला सर ने यहाँ पर लगातार अपनी होल्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी सारे स्टॉक्स में पांच स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें जैसे लुपिन हो गया टाइटन हो गया एज वेल एज डेल्टा कॉप हो गया आ, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जिनमें यहाँ पर लगातार हिस्सेदारी घटाई है जो की अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है देखिए मार्च का है

या कोई भी यहाँ पर इस दुनिया में इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है कि यहाँ पर हमेशा ऑलवेज राइट डिसीजन ले सके चाहे वॉन प्रॉफेट की बात करें चाहे हम यहाँ पर राकेश यूनिट वाला सर की बात करें गलतियां हमेशा हर कोई करता है और एवरी ये शेयर बाजार है यहाँ पर गलतियां होती रहती है तो गलतियों से सीखना होता है गलतियों से हमेशा भागना नहीं होता और किसी पे भी ब्लाइंडली ओके okay, यहाँ पर विश्वास नहीं करना है इस चीज को भी याद रखा इन्होंने भेज दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेल्टा कॉर्प जो ये शेयर है बिल्कुल ही लुट जाएगा बर्बाद हो जाएगा

सबसे सब पहले जान लेते हैं। ये डेल्टा कॉप करता क्या है देखिए ये गेमिंग इंडस्ट्री में आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको पता चलेगी ये अलग अलग गेमिंग इंडस्ट्री में यहां पर काम करते हुए दिखाई देता है जैसे कि यहां पर गेमिंग बिजनेस जैसे कशीनो ओके कशीनो में यहां पर आप जाएंगे यहां पर ये जो ए एक गेम है उसमें भी ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ देंगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई दिखाई देगी और कशीनो की बात करें कशीनो में नंबर वन और सबसे बड़ा प्लेयर यही डेल्टा कॉप दिखाई देता है हॉस्पिटैलिटी की बात करें इनकी हॉस्पिटैलिटी में ये कंपनी काम करती है होटल

होटल है जो इनका दमन में है गोवा में है तो अलग अलग इनके हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी में होटल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं तो एक बेहतरीन शेयर है ओके जो कि यहाँ पर जब तक कोविड था तब तक इस पर पूरा ग्रहण लगा हुआ था बट जैसे ही कोविड खत्म हुआ और जैसे ही यहाँ पर आ, सब लॉकडाउन लौ, पूरा खत्म होता हुआ नजर आया सब कुछ ओपन होता हुआ नजर आ रहा है तो दिस इज द स्टॉक जो कि अच्छे खासे रिटर्न देगा इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये जो शेयर यहाँ पर फिफ्टी रुपीज के आसपास चला करता था वो यहाँ पर थ्री थ्री थर्टी के आसपास थ्री फोर्टी के आसपास की इसने अपनी ऑल टाइम हाई की जर्नी अभी तय करी है और वो भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मतलब दो साल के अंदर अंदर ये शेयर किस तरीके से भागा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं बट अभी अच्छे खासे तरीके से भागने के बाद एक गिरावट नजर आती है क्यों गिरावट नजर आती

कुछ चीजें यहां पर देखेंगे तो यहां पर और भी बहुत सारी चीजें जो यहां पर आप पढ़ सकते हैं मार्केट के आप देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं करोड़ स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी में हमेशा यहां पर या, बात करे। तो इसी तरीके से गिरते हुए नजर आते हैं और जब रिटर्न की बात होती है इसी तरीके से अच्छे रिटर्न भी नजर आते हैं पी का है इंडस्ट्री का पी फिफ्टी का है तो अभी भी ये शेयर इतना गिरने के बाद फिफ्टी गिरने के बाद भी महंगा यह नजर आता है तो इस चीज को याद रखिएगा तो थोड़ी बहुत गिरावट अगर होती है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी डेट फ्री कंपनी है किसी तरीके का

अब यहाँ पर बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो सेल्स की बात करें कंपनी की सेल्स लगातार अच्छी चल रही थी कोविड आया गिरती हुई नजर आई बट उसके बाद लगातार शेयर यहाँ पर सेल्स दोबारा बढ़ती हुई नजर आ रही है और कंपनी की पिछले दो क्वार्टर की सेल्स काफी बेहतरीन थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें कंपनी का मार्जिन अच्छा खासा चल रहा था बट जैसे ही कोविड आया नेगेटिव में आया दोबारा अच्छा खासा हुआ और यहाँ पर बीच में फिर कोविड आया फिर नेगेटिव हुआ और दोबारा कंपनी का जो मार्जिन है अच्छा खासा होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो कि यहाँ पर नेगेटिव बीच में आ गया था दोबारा पॉजिटिव आ गया पिछले दो क्वार्टर में अच्छे खासी कंपनियां रिटर्न नेट प्रॉफिट किया है, है इसके अलावा रही थी गिरावट और फिर कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की कंपनी दो में यहाँ पर बात करें तो नेगेटिव परफॉर्मेंस था बट दोबारा दो हजार जैसे ओपन अप होता हुआ दिखाई दिया अगेन प्रॉफिट में कंपनी आती हुई दिखाई दी और आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे सकता रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व देख सकते हैं दो करोड़ के आसपास के रिजर्व है छह करोड़ के आसपास का डेट है कुछ भी ज्यादा डेट नहीं है सात करोड़ रुपए प्रोग्रेस में लगे हुए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें प्रोमोटर्स का एज इट इज है प्रोमोटर्स को तो रहना ही पड़ता है प्रोमोटर्स नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा तो यहाँ पर थर्टी थ्री पॉइंट टू थ्री परसेंट की होल्डिंग प्रोमोटर्स की है थोड़ी थोड़ी स्लाइटली पॉइंट में यहाँ पर कम कर रहे हैं जुन जुन वाला सर ने भी यहाँ पर कम करिए और यहाँ पर बात करें एफ ने भी बेचा होगा डी ने भी बेचा होगा पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अगली बार आएगा तो ये बढ़ता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा तो क्या हमें यहाँ पर बेच देना चाहिए क्योंकि काफी, काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है नेगेटिव पॉइंट्स भी है बट मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ हम यहाँ पर जाएंगे क्वार्टरली रिजल्ट पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें इस बार का थर्टी का मार्जिन था और लास्ट अगर हम बात करें थर्टी था जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार गिरावट होती हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी है क्यों क्योंकि अगले क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे तो यहां पर देखिए जून के क्वार्टर में माइनस परसेंट का मार्जिन था इससे पहले माइनस ट्वेंटी था तो तो ये ये विद इन अ पीरियड जो करेक्शन करेक्शन हो हो रहा है तो है पर थोड़ा बहुत और हो सकता बट जैसे ही रिजल्ट आएंगे मार्जिन इस बार के अच्छे आएंगे क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया है तो यहां पर एक क्वार्टर और दो क्वार्टर में यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो कंपनी का ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा जब ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस

और उसके बाद भी अगर और भी ज़्यादा गिरावट होती है मार्केट में ऑलरेडी गिरावट हो रही है अगर गिरावट होती है तो ये शेयर फिर हंड्रेड रुपीज तक भी आने की पूरी कोशिश कर सकता है बट वन फोर्टी टू रुपीज का और इसके बाद बात करें वन ट्वेंटी सिक्स का यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है बट अगर ये ये एक हमें राउंडिंग टॉप यहाँ पर दिखाई दिया और एक और जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट हो रही है और गिरावट होती है तो एक राउंडिंग टॉप यह भी बन सकता है और नीचे आके एटी और ये हंड्रेड रुपीज का यहाँ पर राउंडिंग टॉप बना सकता है तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा तो यहाँ पर मैं जैसे कि बता चुका हूं कि ये शेयर उसके लिए है जो यहाँ पर रिस्क और वॉलिटिलिटी को यहां पर हैंडल कर सके और यहाँ पर जो अभी बेच के निकले है तो यहाँ पर नीचे के लेवल पे आने पर यह शेयर दोबारा यहाँ पर अच्छा खासा हो सकता है अब बात करते हैं कुछ टाइम की जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ टाइम में अच्छा खासा शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता सब पर है सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब भी मैंने आपको अभी एक सपोर्ट और रजिस्टेंस बताया तो एक बेहतरीन सपोर्ट बनता हुआ नजर आया और सपोर्ट पर एक कैंडल बन रही है जो कि हैमर बनता हुआ नजर आया बेहतरीन कैंडल माना जाता है इसे बुलिश कैंडल माना जाता है कब जब एक अच्छी खासी गिरावट हो जाती है। But, क्या बाइंग करना चाहिए? तो बाइंग करने के पीछे और भी बहुत सारी ऊपर तो जा जाने पर टू टेन और ये दो सौ उनतीस का लेवल यहां पर टच कर सकता है और जिसका अगर मैं यहां से बात करूं, तो कितने परसेंट पर बनते हुए नजर आ रहे हैं तीस परसेंट के और अगर ये इस लेवल को यहाँ पर दिखा देता है तो पैंतीस परसेंट के रिटर्न तो इसे आप मत सोचिएगा कि यहाँ पर ये शेयर अब यहाँ पर इस लेवल को निकालेगा ये अब लोअर हाइज़ बनाता हुआ नजर आएगा जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक हाइज़ ने ये बनाया ओके okay, अब ये शेयर यहाँ पर आसपास ऊपर जाके कंसोलिडेट करके यहाँ पर आसपास ये हाइस बनाएगा हाइज बनाने के बाद ओके okay, और ऊपर मौका मिलता है तो यहाँ पर बेचिएगा अगर ये शेयर ऊपर जाता है और अगर नीचे और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर खरीदते भी हो और इसके आसपास आ जाता है तीस परसेंट के रिटर्न बन गए चुपचाप बेचिएगा बेचने के बाद नीचे आइएगा फिर यहाँ पर खरीदने का मौका मिलेगा और ये शेयर इस तरीके से करके शायद नीचे आ सकता है तो तीन से छह महीने ये शेयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ओके और उसके बाद शेयर यहाँ पर